हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं अबाउट सिटी पैलेस ऑफ जयपुर। और आज के इस वीडियो में हमारे जो साथ हैं वो हैं जीवराज सिंह शेखावत, जो कि यहाँ के टूर गाइड हैं, और जो बाकी का जो पूरा वीडियो है वही हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस जयपुर की सिटी पैलेस में क्या क्या है। आप सभी का सिटी पैलेस में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जीवराज सिंह शेखावत है, मैं आपका टूरिस्ट फैसिलिटेटर हूँ। आज मैं आपको सिटी पैलेस विजिट कराऊँगा। तो सिटी पैलेस में देखने के लिए दो पार्ट है, एक तो पैलेस का पार्ट है और एक म्यूजियम है, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पैलेस के बारे में बताऊंगा। तो आप आमेर और जयपुर, आमेर आपने देखा है, तो आमेर और जयपुर इन दोनों के मिला के आज तक के 41 रूलर्स हुए। जो आमेर के लास्ट महाराजा थे और जयपुर के जो फर्स्ट महाराजा थे, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने 18 नवंबर 1727 को जब जयपुर बसाया तब सबसे पहले ये पैलेस बनाया था। इस पैलेस का नाम है चंद्र महल, मून पैलेस। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, इनकी वाइफ का नाम था चंद्रावती, तो उन्होंने अपने वाइफ के नेम से इसका नाम रखा था चंद्र महल। ठीक है, इस पैलेस को भी अपन विजिट कर सकते हैं, लेकिन इसका सेपरेट टिकट होता है। अपन ने म्यूजियम का टिकट लिया है तो मैं आपको म्यूजियम विजिट कराऊंगा। तो ये 7 स्टोरी पैलेस है, इसके ऊपर देखिए एक फ्लैग लगा हुआ है, ये अपने जयपुर का प्राइवेट फ्लैग है, इनका पर्सनल फ्लैग है। ओके, इसमें 5 कलर है, इंडियन फ्लैग नहीं है। इस फ्लैग को थोड़ा सा नीचे किया जाता है और इसके ऊपर एक वाटर फ्लैग और लगाया जाता है, वही दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। क्या? एक तो जो प्रेजेंट के जो राजा है उनकी प्रेजेंटेंसी बताता है कि वो यहाँ पे है या नहीं है। आज वो फ्लैग नहीं लगा हुआ, इट मीन्स महाराजा यहाँ पे नहीं है। महाराजा यहाँ रहते हैं तो 2 फ्लैग्स होते हैं वहाँ पे। ओके, तो एक देता है सवाई का इंडिकेट करता है और एक प्रेजेंटेंसी बताता है। तो एक ये सवाई का इंडिकेट बताता है कि जैसे कि आपने आमेर देखा है तो आमेर के महाराजाओं के आगे कभी भी सवाई नहीं लगा है, जयपुर के महाराजाओं के आगे सबके आगे सवाई लगा हुआ है। महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह, महाराजा सवाई माधो सिंह। व्हाट इट मीन सवाई? सवाई का मतलब क्या होता है? आपने सवाई का नाम आपने सुना होगा, सवाई का मतलब होता है मोर देन इंटेलिजेंट। अपन बोलते नहीं शेर से सवा शेर, तो महाराजा सवाई जय सिंह जी बहुत इंटेलिजेंट थे, इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी और प्लस 5 जंतर मंतर इन्होंने बनवाए थे। अपने इंडिया में 5 जंतर मंतर है, 5 जंतर मंतर जय सिंह जी के द्वारा ही बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पे हैं? जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन एंड देन मथुरा, जिनमें से 3 अनकम्प्लीट है और 2 कम्प्लीट हो गए थे, जयपुर और दिल्ली वाला, जो आज भी अपन जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन सिटी पैलेस में जो मुख्य 4-5 पार्ट हैं वो मैं आपको बताऊँगा। पहला पार्ट अपन देखेंगे दीवाने खास, यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग होती थी। और सेकंड पार्ट है सभा निवास, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, वो दीवाने आम है, वहाँ पे आम पब्लिक जनरल पब्लिक के साथ मीटिंग्स होती थी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे अपन मुबारक महल, जहाँ पे टेक्सटाइल गैलरी है। और फोर्थ पार्ट देखेंगे अपन वेपन्स गैलरी, जहाँ पे रॉयल फैमिली के वेपन्स रखे हुए हैं। और फिफ्थ पार्ट देखेंगे अपन डांसिंग कोर्टयार्ड। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे दीवाने खास, यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग होती थी। ठीक है, यहाँ पे 2 जार रखे हुए हैं, ये चांदी के हैं, सिल्वर के हैं। 9th नंबर के महाराजा स्वाई माधो सिंह सेकंड, वो बड़े रिलीजियस थे, वो अपनी लाइफ में गंगा वाटर पीते थे। इनको इन दोनों जारों को 1902 में महाराजा माधो सिंह ने लेके गए थे, क्योंकि वो अपने लाइफ में गंगा वाटर ही पीते थे। तो एक जार का वजन है 345 किलो एंड वाटर कैपेसिटी है 900 गैलन, मीन्स 4091 लीटर एक के अंदर पानी माता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनको दर्ज किया गया है। अब देखेंगे अपन सेकंड पार्ट, ये प्रीतम चौक मीन्स डांसिंग कोर्टयार्ड, यहाँ पे पहले डांस हुआ करता था। और ये जो व्हाइट विंडोज देख रहे हैं अपन, यहाँ पे बैठ के महारानियाँ देखा करती थी। और ये जो ग्रीन विंडोज छोटी छोटी देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहले राजा की दासियाँ होती थी, दासियाँ मीन्स सर्वेंट्स, वो बैठ के देखा करती थी। यहाँ पे 4 गेट है, देखिए 2 इस तरफ है, 1, 2 और 2 इस तरफ है, चारों गेट हैं। अपने एक साल में 4 सीज़न आते हैं, तो ये चारों सीज़न के अकॉर्डिंग ये गेट खुलते थे। जैसे कि ये पहला गेट देख रहे हैं आप, ये पिकॉक गेट, पिकॉक कब डांस करते हैं? जब बारिश का मौसम होता है तब ये गेट खुला करते थे। और ये देखिए लोटस गेट, लोटस कब खुलता है? समर में, तब ये खुलता था। और देखिए रोज गेट, रोज कब खुलता है? विंटर में, तब ये खुलता था। और वो स्प्रिंग पतझड़, जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, हरा पेड़ होता है, तो वो हरा गेट। हर चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। इनके गेटों के ऊपर झरोके बने हुए हैं, वहाँ पे महाराजा बैठ के देखा करते थे। और ये सामने आप ऊपर देख रहे हैं, ये शिव जी का टेम्पल है, शंकर भगवान का मंदिर है। और ये साल में केवल 2 ही बार खोला जाता है, एक तो ये दीपावली के नेक्स्ट डे खोलते हैं और एक ये महाशिवरात्रि को खोलते हैं। ठीक है, आम पब्लिक आके दर्शन कर सकती है, किसी को कोई रॉक टॉक नहीं होती है। बाकी एवरीडे रॉयल फैमिली इसका पूजा करती है।
और ये सामने आप देख रहे हैं ये पैलेस है, रॉयल फैमिली का प्राइवेट पार्ट है। इसको विजिट करने के लिए स्पेशल टिकट लेना होता है, म्यूजियम के टिकट में अपन ये विजिट नहीं कर सकते। ये 7 स्टोरी पैलेस है, अभी जो प्रेजेंट की रॉयल फैमिली है वो इसी के अंदर रहती है, निवास करती है। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अपन जाएंगे तो अपन को दो पार्ट देखने को मिलते हैं, क्या दीवाने आम और एक दीवाने खास। जो अपन ने देखा था वो था दीवाने खास, वहाँ पे प्राइवेट मीटिंग होती थी, ठीक है। और सामने मैंने बताया था वहाँ पे दो जार भी रखे हुए हैं, तो उन जारों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो जो जार है 9th नंबर के महाराजा थे स्वयं माधव सिंह सेकंड, वो बड़े रिलीजियस थे, बड़े धार्मिक थे, वो अपने लाइफ में गंगा वाटर ही पीते थे। तो उनको 1902 में इंग्लैंड इनवाइट किया गया था एडवर्ड सप्तम के राज तिलक के लिए। अब वहाँ पे गंगा जल कहाँ से आए, तो रॉयल फैमिली ने अपने खजाने से 28,000 चांदी के सिक्के लिए और उनको मेल्ट किया, और 1894 में इन दोनों का काम चालू करवाया था, और 96 में ये बन के कम्प्लीट हो गए थे 2 ईयर्स में। बनाने वालों को भी रॉयल फैमिली ने उस समय 5,000 रुपीज पे किए थे मजदूरी के। तो आज भी इनको गंगा जल ही बोला जाता है, क्योंकि इनमें गंगा वाटर डाल के माधव सिंह जी 22 शिप इंग्लैंड लेके गए थे और फिर वापस लेके आए थे। एक का वजन है 345 किलो, कितना है 345 किलो, 345 kg, एंड वाटर कैपेसिटी है 900 गैलन, मीन्स 4091 लीटर एक के अंदर पानी माता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनको दर्ज किया गया है, क्योंकि इनसे बड़े जार अपने वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ये था दीवाने खास। अब मैं बताऊंगा आपको सभा निवास दीवाने आम, जहाँ पे दीवाने आम, वहाँ पे आम पब्लिक जनरल पब्लिक के साथ मीटिंग्स होती थी, ठीक है। तो अंदर जाएंगे तो अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल, अंदर मैसूर पैलेस की तरह दीवाने आम बना हुआ है, वहाँ पे अंदर पिक्चर्स बना है, ठीक है। अब अपन चलेंगे 4th गैलरी देखने के लिए। 4th गैलरी है वेपन्स गैलरी। वेपन्स गैलरी देखने से पहले मैं आपको यहाँ के रॉयल फैमिली के बारे में बताऊँगा। तो ये आप सामने पिक्चर देख रहे हैं, इसमें अभी प्रेजेंट की जो रॉयल फैमिली है वो है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है अभी के प्रेजेंट के राजा महाराजा स्वाई पद्मनाभ सिंह जी, और ये इनके ब्रदर एंड सिस्टर महाराजा लक्ष्यराज सिंह जी और बाईसा राज गौरवी, ठीक है। और इन तीनों की मदर प्रिंसेस दिया कुमारी जी, जो कि अभी प्रेजेंट में सांसद है बीजेपी पार्टी से, राजसमंद से। और इनकी प्रिंसेस दिया कुमारी जी की मदर लास्ट महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की वाइफ राजमाता पद्मनी देवी जी, ठीक है। तो इनके सन नहीं था, एक ही डॉटर है प्रिंसेस दिया कुमारी जी, जो कि इन्होंने 2002 में अपनी बेटी के बेटे को अडॉप्ट किया था। कब किया था, 2002 में। तब का ये सेरेमनी का पिक्चर है जो सामने आप देख रहे हैं, ये 2002 में जब इन्होंने अडॉप्ट किया था तब का सेरेमनी का पिक्चर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सब शुरू में स्टार्टिंग में कि जयपुर और आमेर इन दोनों के दोनों रियासतों की मिला के आज तक के 41 रूलर्स हुए थे। ये है 41 रूलर्स, कच्छावा वंशी है ये जो रॉयल फैमिली है, कच्छावा वंशी है, ये 41 रूलर्स है। ये जो सामने देख रहे हैं अभी के जो प्रेजेंट के जो राजा हैं महाराजा स्वाई पद्मनाभ सिंह, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जयपुर किसने बसाया था, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड। तो 30 नंबर, आप 30 नंबर पे आइए, महाराजा सवाई जय सिंह, क्योंकि सवाई का टाइटल भी जय सिंह जी को ही मिला था। मैंने आपको बताया था सवाई का टाइटल क्यों मिला था, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए इनको सवाई का टाइटल औरंगजेब के द्वारा मिला था। ये जो 30 के ऊपर जो जितने भी महाराजा हैं ये सभी आमेर के हैं, और 30 के नीचे जितने भी महाराजा हैं ये सभी जयपुर के महाराजा हैं, ठीक है। देखिए अब चलेंगे अपन 5th गैलरी, 5वीं गैलरी देखने के लिए, फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम, महाराजा सवाई भवानी सिंह गैलरीज, ठीक है। अंदर चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल यूनेस्को अवार्डेड आर्टिस्ट हैं। तो आज पहले राजा महाराजाओं के पास में कुछ भी नहीं होता था, राजा महाराजाओं के पास पहले आर्टिस्ट होते थे, जब भी वो शिकार करने जाते थे वो साथ में अपने आर्टिस्टों को लेके जाते थे, जैसे शेर वगैरह किसी को भी वो शिकार करते थे वो आर्टिस्ट उसकी पेंटिंग रफली पेंटिंग बना लेते थे, फिर 2-4 दिन में उसमें कलर अलर भर भरा के राजा महाराजाओं के सामने पेश करते थे, राजा महाराजा उसको देख के बड़े प्रसन्न होते थे कि वाओ क्या पेंटिंग बनाई है, तो वो उनको कुछ गिफ्ट्स देते थे। तो वही वो फैमिली जो रॉयल फैमिली के जो पहले काम करते थे वही वो आर्टिस्ट लोग आज यहाँ पे हैं, ये 6th जनरेशन है अंदर। तो अंदर अपन चलेंगे तो मिनिएचर पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, लॉट ऑफ पेंटिंग्स लगी हुई है, आप बोलोगे कि भैया ये पेंटिंग है नहीं, ये फोटोज है, ऐसी पेंटिंग्स है अंदर। तो अंदर ये गैलरी स्क्रल उसके पूंछ के बाल से एक सिंगल बाल से ये पेंटिंग बनाते हैं, स्टोन कलर्स ओरिजिनल स्टोन कलर्स यूज में लेते हैं, वेजिटेबल कलर्स यूज में लेते हैं, तो एक गैलरी के बाल से ये पेंटिंग बनाते हैं, तो सोचो कितना हार्ड वर्क होता होगा, ठीक है। तो अंदर आप देखने को आपको पेंटिंग्स मिलेगी, और प्लस आपको देखने को मिलेगा कुंदनकारी मीनाकारी का काम, जो कि जयपुर का फेमस है कुंदनकारी मीनाकारी का काम,
ठीक है। और बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 200 से 300 साल पुराने इत्र, जैसे कि मिट्टी का परफ्यूम आपने कभी देखा ही नहीं होगा ना सुंगा होगा। मिट्टी जब पहली बारिश आती है, जब मिट्टी पर गिरती है, तब सौंधी सौंधी खुशबू आती है। आप अंदर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उन आर्टिस्टों को आप पूछिए कि सर मिट्टी वाला बताइए। राजा माधो सिंह सेकंड वो सबसे ज़्यादा इत्र लगाते थे, खस, मोगरा, गुलाब, जूही, ओपियम। ओपियम सबसे बेस्ट है क्योंकि ओपियम अफीम का बनता है। अफीम ड्रग्स नहीं होता है, अफीम ड्रग्स होता है, लेकिन अफीम के फूलों में नशा नहीं होता, डोडो में नशा होता है, तो फूलों से बनता है, ठीक है। तो अंदर जाके आप वो देख सकते हैं, अंदर फोटोज़ बना है, वीडियोज़ बना है, आप अंदर जाके आर्टिस्टों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा 6 पार्ट 6 गैलरी जो कि मुबारक महल टेक्सटाइल गैलरी, ठीक है। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग टेक्सटाइल गैलरी है, वेपन्स गैलरी, सॉरी, तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को किसने बनवाया था? माधो सिंह सेकंड, जो कि जो गंगा जल पीते थे, मैं पहले आपको बता दिया, जो गंगा जार इंग्लैंड लेके गए थे, वही राजा ने इस बिल्डिंग को बनवाया था। अब हम चलेंगे 5वीं गैलरी देखने के लिए। ये सामने जो देख रहे हैं अपन बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम है मुबारक महल। व्हाट इट मीन्स मुबारक महल? मुबारक मतलब वेलकम हाउस, गेस्ट हाउस। ये 1959 से पहले गेस्ट हाउस हुआ करता था, और जब 1959 में जब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया, तब इसको टेक्सटाइल गैलरी में कन्वर्ट कर दिया। तो आज अपन इसके अंदर चलेंगे, तो 16, 17, 18 एंड 19 सेंचुरी के राजा महाराजाओं के कपड़े डिस्प्लेड किए हुए, कौन से राजा का कौन सा कपड़ा है और कब यूज़ करते थे मैं आपको बताऊँगा। इनसाइड फोटोग्राफीज बना है। इस बिल्डिंग की खास बात क्या है? आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल चारों तरफ से सिमिलर है, जैसे ये बिल्डिंग भी चारों तरफ से सिमिलर है, चारों तरफ से सेम है। और जब इसको बनवाया गया था माधो सिंह जी के द्वारा, माधो सिंह सेकंड जो कि गंगा जल पीते थे, उनके द्वारा 1902 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और इस पैलेस की, इस म्यूजियम की सबसे न्यू बिल्डिंग है। तब इसमें 3 आर्किटेक्चर्स यूज में ले गए थे। जो आप टॉप ही टॉप में देख रहे हैं वह है यूरोपियन, बीच में जो झरोके टाइप में देख रहे हैं वो है मुगल, और नीचे नीचे जो आप देख रहे हैं टेम्पल टाइप में वो है राजपूताना। तो 3 आर्किटेक्चर्स मिलके इसको बनाए थे। आइए अब अपन अंदर चलेंगे और टेक्सटाइल देखेंगे। देखिए जो ये सामने आप गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है राजेंद्र पोल। पोल एक हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बड़ा गेट। अपने इस सिटी पैलेस का ये सेंटर का गेट है, इसको वेलकम गेट भी बोला जाता है। आज भी प्रेजेंट की रॉयल फैमिली सिंह गेट से यहाँ से आती है, सिंह दरबार से, तो यहाँ से आती है, तो यहाँ से होते हुए पैलेस के अंदर जाती है। तो ये जो सामने जो दो आप झरोके देख रहे हैं, यहाँ पे दो लेडीज खड़ी होती है, और जो भी रॉयल फैमिली के गेस्ट आते हैं उनके ऊपर पुष्प बरसा के वेलकम किया जाता है। तो ये सामने जो एलिफेंट देख रहे हैं आप, सिंगल मार्बल पीस से बने हुए हैं, कोई जॉइंट नहीं है। 1931 में महाराजा स्वाभिमान सिंह जी ने अपने बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के बर्थडे पे इनको यहाँ पे स्थापित किए थे, ठीक है। कोई जॉइंट नहीं है इनमें, सिंगल मार्बल पीस से बने हुए हैं, ठीक है सर। ये अपना सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में आपको मैंने विजिट करा दिया है। अब आगे आपको कभी भी कहीं सिटी पैलेस आना हो, आपके फ्रेंड्स लोगों को आना हो, तो आप मेरे नंबर दे सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे आपको। और ये मेरे साथी हैं अभिषेक जी, तो इनका यूट्यूब चैनल है एब्सोल्यूट हबी, उस पे आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। और बाकी का मैं, आप कोई भी कभी भी जब सिटी पैलेस आएँ तो मैं आपको यहीं पे मिलूँगा, सिटी पैलेस विजिट में करवाता हूँ, और लोकल जयपुर साइट सीन भी करता हूँ। तो आप सभी पधारिए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, जय हिंद। तो कैसा लगा हमारे जयपुर शहर का सिटी पैलेस? आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर सिटी पैलेस से रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिटी पैलेस में आके जिवराज सिंह शेखावत के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको सिटी पैलेस के बारे में पूरा बता देंगे। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे, चाहे वो फिटनेस का हो, चाहे लाइफस्टाइल के बारे में हो, चाहे इन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में हो, या हमारी स्पेनिश क्लासेस के बारे में हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।